सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में नामिका। देखिए, इन दिनों चर्चा का विषय जो बने हुए हैं वो है कन्हैया कुमार। सीपीआई को बाय बाय कर चुके हैं और कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं। पिछले कुछ सालों की अगर सियासत पर नजर डालें तो बिहार में महागठबंधन का हिस्सा होते हुए भी कन्हैया कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक मंच पर बहुत ही मुश्किल से या फिर एक या दो बार ही नजर आए। कांग्रेस के नेता जहां कन्हैया के आने से काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहीं आरजेडी के नेता कहीं ना कहीं तनाव में हैं, टेंशन में हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस महागठबंधन में आरजेडी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी होने के बाद आरजेडी की पुरानी सहयोगी भी रही है, जिसके साथ लंबे समय से सियासी रिश्ते रहे हैं। जी हाँ, इन दोनों के काफी सियासी रिश्ते जो है वो काफी अच्छे भी रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता एक तरह से बिहार में आरजेडी के बिना अपनी राजनीतिक जमीन नहीं तैयार कर पा रही है। कन्हैया को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि उनके आने से बिहार कांग्रेस में हम और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में कन्हैया का भी अहम रोल होगा, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे कन्हैया कुमार। कन्हैया खुद बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं और अब उनकी एंट्री से बिहार कांग्रेस भी उनकी सक्रिय, बिहार कांग्रेस में जो उनकी भूमिका होगी वो काफी सक्रिय होगी, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने एक नया चैलेंज, एक नई चुनौती कन्हैया के साथ समन्वय स्थापित करने की होगी। हालांकि आरजेडी के नेता कन्हैया और तेजस्वी की तुलना से इनकार करते हुए कहते हैं कि तेजस्वी काफी आगे निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता हैं और बिहार में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, इसीलिए उनकी तुलना जो है वो किसी से नहीं की जा सकती है। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पहले भी तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करते रहे हैं। अब इधर इस पूरे मामले पर एनडीए के नेता जो है उनको तो एक मौका मिल गया, एनडीए के नेताओं को कटाक्ष कर रहे हैं। कन्हैया के इंटरव्यू से बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश कुमार सिंह कहते हैं कि ये जो सवाल है वो एनडीए नेताओं के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है। वो कहते हैं कि महागठबंधन में पहले से ही सिर फुटबॉल की स्थिति है, तेजस्वी पारिवारिक विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं और इधर कन्हैया देशद्रोहियों की मदद के लिए विख्यात है। तो कहीं ना कहीं दोनों की जो एक वीक पॉइंट है वो एनडीए को मालूम है। बीजेपी नेता ने कहा कि दोनों नेता पहले ही बिहार में हार चुके हैं,